सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एडिटिंग वीडियो। सो गाइस थंबनेल टाइटल देख के आपको पता लगी हो कि आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू मेक थंबनेल लाइक रेज एलेक्सियर। सो गाइस लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो सबसे पहले आपको प्रिज्म थ्री में आ जाना है एंड अपना रिग को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। एंड अगर आपको ऐसे रिग्स चाहिए तो गाइस आप कमेंट कर देना, कमेंट का अगर कोई भी कर देते तो मैं डिस्कॉर्ड पर भी डाल दूंगा। एंड गाइस को करने के बाद आपको इस वाली बोन पर जाना है एंड उससे आपको ये वाला सिलेक्ट कर लेना है सेकंड ऑप्शन। एंड देन जैसे मैं इसको कर रहा हूँ वैसे आपको कर देना है। सो ब्लू लाइन से कुछ इस टाइप से कर सकते हैं एंड इस वाले बोन में आपको ब्लू लाइन से ही इसको राइट साइड को कर देना है। एंड अभी ये वाला पोज बन गया। अभी गाइस आपको स्माइल करनी है इसकी, थोड़ी नीचे की आइज़ के साथ ही होगी मेरी। सेंटर वाले डॉट पे जाना है एंड ये जो लाइंस वाले थे इसको पकड़ना है एंड इसको नीचे कर देना है। फिर आप जो है इसको राइट साइड में जाने के बाद आपको रोटेट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है एंड इससे आप कोई स्माइल को यहाँ पे रोटेट कर सकते हो एंड अभी थोड़ा स्माइल जैसा लुक दे देगा ये भी। सो इतना सब कुछ करने के बाद आपको इसको रेंडर कर लेना है कुछ इस टाइप से। यहाँ पे आपको जाना है थ्री लाइंस पे रेंडर को कर लेना है एंड इधर से 180 पीस 1080 पीस सिलेक्ट कर लेना है। एंड अभी चलते हैं पिक्सआर्ट में। सो पिक्सआर्ट में आ जाने के बाद अपना जो 2D थंबनेल पैक है उसको आपको ओपन कर लेना है। एंड अभी कोई सा बैकग्राउंड आपको चूज़ कर लेना है तो मैं ये वाला बैकग्राउंड चूज़ कर लेता हूँ क्योंकि इसका स्काई जो है बिल्कुल उसके थंबनेल की तरह लग रहा था। सो अभी आपको इसमें ऐड करनी चीज़ें जैसे कि अपना करेक्टर वगैरह तो आपको वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको करना पड़ेगा इसमें अंदर ट्री ऐड ताकि थोड़े अच्छी सी लुक आती है, मतलब पूरा 3D बन जाती है आपकी थंबनेल। फिर अभी यहाँ से पेड़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड अब इसको रख देते हैं। सो अभी इसको आपको ड्यूप कर देना है एंड आपको यहाँ चल जाना स्टिकर्स में। स्टिकर में जाने के बाद आपको सर्च कर देना है माइनक्राफ्ट हाउस क्योंकि हमें एक हाउस भी जाएगा पीछे। सो अभी मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ माइनक्राफ्ट हाउस एंड आपको बीच वाला जो हाउस आएगा उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। एंड अब इसकी जो ऊपर की चिमनी है उसको आपको इरेज कर देना है। सो अभी इरेजर से इसको भी इरेज कर देते हैं। देन इरेज हो जाने के बाद इसको आपको अच्छे से यहाँ पे सेट कर लेना है। सो सबसे पहले इसको थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर लेते हैं एंड अभी इसको थोड़ा साइज बिग कर लेते हैं एंड अभी इसको बीच ऐसे में यहाँ पे फिट कर लेते हैं हम। एंड अभी हमको अपना करेक्टर भी इम्पोर्ट करना है एंड उस करेक्टर को आपको बीच ऐसे में यहाँ पे रख देना है। एंड देन अभी इसको जो है कलर भी हमें देना पड़ेगा अच्छे से। सो एडजस्टमेंट में जाने के बाद इसकी सैचुरेशन में इंक्रीज करना है, कॉन्ट्रास्ट को भी हल्का सा, ब्राइटनेस को भी थोड़ा सा करना है एंड शैडोज को थोड़ा सा आपको कम कर देने से आपकी स्क्रीन पे थोड़े से पिक्सल बन जाते हैं जो कि काफ़ी 3D लगता है देखने में भी। एंड अभी गाइस आपको यहाँ पे मनी वाला और डायमंड्स के भी ऐड करने पड़ेंगे एंड एक कार भी। सो सबसे पहले मनी को ऐड कर लेते हैं तो इसको आपको सर्च कर लेना है एमराल्ड मनी गूगल पे एंड वहाँ से आपको डाउनलोड करना है। अभी ये सब इजीली एडजस्ट हो चुका है, अभी हमको थोड़ा बहुत इसको एडजस्ट कर लेते हैं। एंड अभी हो चुका है माइनक्राफ्ट कार को यहाँ पे स्टिकर वाले ऑप्शन सर्च कर लेंगे एंड ये वाले कार को यहाँ पे चूज़ कर लेंगे एंड इसको मूव रन वाले ऑप्शन से नीचे रख देंगे कुछ इस टाइप से और थोड़ा सा स्मॉल कर देते हैं। और एंड नाउ हमारे थंबनेल जो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। सो गाइस अभी ये रही रेज एलेक्सियर की एंड ये रही मेरे थंबनेल, दोनों गाइस सेम टू सेम ही लग रही है वैसे काफ़ी क्योंकि ये मेरी एंड्रॉयड में बनी और उसकी पीसी में बनी होगी ऑब्वियसली। और गाइस ऐसे ही मैं आपको एंड्रॉयड में दे देता हूँ थंबनेल बना के इजीली स्टेप बाय स्टेप। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और सो गाइस अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना। ओके बाय।